डेढ़वा में इस समय हम हैं तहसील मुख्यालय के सामने और ये जाने की कोशिश करते हैं कि 2008 के बाद परिसीमन के बाद जब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो एक बार बीजेपी और दो बार कांग्रेस जीती है, फिर चुनाव आ गए, यहाँ के लोगों का मूड क्या है? भाई साहब नाम क्या है आपका? प्रताप नारायण मीणा। अच्छा मीणा साहब एक चीज़ बताओ, अब चुनाव होने वाले हैं है ना, आपके यहाँ दो बार से कांग्रेस आ रही है, उससे पहले प्रभुलाल जी आए, अब जनता का मूड क्या लग रहा है? विकास कैसा हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? भाई कांग्रेस और बीजेपी को प्रदेश ने झेलते काफ़ी साल हो गया, अब प्रदेश की जनता ऊब चुकी है, अब तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। कौन सा है मतलब राजस्थान में? और तीसरा विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प भाई चंद्रशेखर आजाद है ना। अच्छा भीम पार्टी। हाँ आजाद समाज पार्टी। हाँ। अब की बार उनको जिताने का बना रहा है। अच्छा आपके यहाँ से तो मंत्री भी हैं, जो विधायक है मंत्री भी, तो विकास विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास विकास कुछ नहीं हुआ, क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। पहले मुख्यमंत्री की जो योजना है जैसे 100 यूनिट फ्री, 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, मेडिकल फ्री मेडिकल है, तो ये योजनाओं का लाभ कहीं पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा आप लोगों को? ये योजना का लाभ पहुंच रहा है पर अभी तो ये न के बराबर चल रहा है। तो क्या लग रहा है मतलब बदलाव होगा? बदलाव होगा। चलिए मेरा साहब कह रहे हैं कि बदलाव होगा, भाई साहब से बात करें। भाई साहब नाम क्या है आपका? इंद्र कुमार जैन। अच्छा जैन साहब एक चीज़ बताइए, ये परिसीमन के बाद दो बार यहाँ कांग्रेस आ गई और एक बार प्रभुलाल जी यहाँ से जीते बीजेपी से, आपको क्या लगता है इस बार जो जिस तरह से चल रही है कांग्रेस सरकार, बहुत सारी योजनाएं भी लाए हैं, आपके तो एमएलए मंत्री भी हैं, तो इस बार जनता ने क्या मूड बना रखा है? कांग्रेस ही आना चाहिए क्योंकि जब मंत्री बने हैं तो इस बार अच्छे विकास के कार्य हुए हैं। अच्छा नैनवा को स्टेडियम मिल गया। हाँ। कृषि मंडी मिल गई, इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय भी मतलब प्रोसेस में है। हाँ। और हो सकता है अगर ये वापस आते हैं तो ये भी कम्प्लीट होगा। अच्छा और क्या चीज़ आपको लग रही है कि जो अभी और होना बाकी है इस नैनवा के लिए? नैनवा के लिए अभी ये ट्रॉमा सेंटर का काम है, ये अभी अनकम्प्लीट है, इसको पूर्ण होना चाहिए। हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, वो लगना चाहिए। अच्छा लोग ये कहते हैं कि साहब मोदी जी का प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, हो सकता है तो क्या वो परिणामों को मतलब थोड़ा प्रभाव असर तो डाल ही सकता है, मोदी जी की लहर तो पूरे देश में है। तो आपको लगता है यहाँ कांग्रेस आ जाएगी और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान का कह नहीं सकते। कि भाई साहब नाम क्या है आपका? मोहन लाल बैरागी, वैष्णव। अच्छा वैष्णव साहब, बैरागी साहब एक चीज़ बताइए आपकी, आपको क्या लगता है? भाई साहब को तो लग गया, लग गया सर, अब के यहाँ से सीट कोई भी नहीं आएगी, अब के बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, कारण क्या लगता है? कारण ये है कि सब इनसे उब चुके हैं सरकार से। पर जो योजनाएं लाई है 100 यूनिट फ्री बिजली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जब लाइट ही नहीं आएगी तो कहाँ 100 यूनिट पार करेंगे? और वो फ्री मेडिकल वाली, फ्री मेडिकल लगा ली भी ऐसे हैं, बस जाते हैं तो सुई इंजेक्शन लगा दो, होगी चिरंजी। अच्छा एक महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन भी दे रही है? अरे कोई किसी को ही नहीं, कोई मुश्किल से कोई 1, 2, 4, 5, 10 दे दे, उसे थोड़ी पार पड़ेगा। मतलब आपको लगता है परिवर्तन होगा इस बार? होगा ही होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मैं कहूँ आपके एमएलए के कामकाज को आपको 10 में से कुछ नंबर देने, कितने दोगे आप अशोक जी को? अशोक जी को मान लो यार 4 नंबर मिलेंगे अशोक जी को। इनके अनुसार अशोक जी को 4 नंबर मिलेंगे, और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहने वाले। भाई साहब कहाँ के हो आप? खानपुरा का हूँ। है तो ये विधानसभा नैनवा ही ना? हाँ। तो वोट वोट देने जाते हो? हाँ जाते। जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे फ्री में बिजली, 100 यूनिट फ्री में बिजली, किसानों को और ज़्यादा है, फ्री मेडिकल है, ये योजनाएं पहुंच रही हैं आप लोगों तक? पहुंच रही है। इसका लाभ उठा रहे हो आप लोग? हाँ उठा रहे, उठा वाले। अच्छा तो आपको नहीं मिली कभी? कभी नहीं मिली। अच्छा आपको क्या लगता है, आप वोट देने जाओगे तो फिर से अशोक जी को अगर मौका मिला तो अशोक जाएंगे या कोई और आएगा? क्या पता अब कोई आएगा, फिर भी बन जाता ना गाँव में, तो चौपाल में ताश खेलते खेलते मन बना लेते हैं कि इस बार तो भाई साहब उसको जिताना है। गांव में नहीं रहता हूं मैं साहब, कुआं पे रहता हूं। अच्छा कुआं पे रहता, तो कुआं पे बिजली आ रही है कौन? आ रही है। पक्की आ रही है? बढ़िया। नाम क्या है आपका? राम बाबू शर्मा। अच्छा शर्मा जी एक चीज बताइए कि आपने कहीं कहीं चुनाव देखे होंगे है ना, तो इस बार का चुनाव क्या किस तरह से अलग होने वाला है? जातिवाद के आधार पे बढ़ता है चुनाव। उस समय एक तो जातिवाद थी जब ये नैनवा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग थी, जब धाकड़ मीना और माली ये थे, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान राजनीति है बेसिकली जातिवाद की राजनीति है? शुद्ध जातिवाद की। 10 साल क्योंकि अशोक जी को यहाँ पे हो गया, अब 10 साल हो गए। तो बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, कभी कभार विवादों में भी आ जाते हैं। वो तो स्वाभाविक है, राजनीति में रहता है, विवाद में आ ही जाता है। सही बात है कि कभी कभार अपने समर्थकों के लिए भी विवाद में आना अच्छी बात है। वैसा नाम क्या है आपका? हनुमान। अच्छा हनुमान जी एक चीज़ बताओ,
उन्होंने कहा भाई साहब ने कि नहीं आएगी, किसी ने कहा बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है अब जब वोट डाले जाएंगे इस चुनाव के लिए, तब क्या लगता है आपको? अशोक गहलोत आएंगे। और यहाँ पे? यहाँ भी अशोक चांदना आएगा। आप खुश हैं उनके काम से? खुश है नैनो में जो काम नहीं हो, यानी जो अशोक गहलोत ने कराए, अशोक चांदना ने कराया, मतलब दोनों अशोक जी ने किए। तो इनका कहना है कि अब डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही थी वो ठीक ठाक कर रही थी, दोनों अशोकों ने काम किया। भैया वोट देते हो? जरूर। इस बार दोगे क्या? पहली बार दोगे या पहले दिया था? पहले दे चुका हूँ। अच्छा, पहले दे चुके हैं। तो अब युवाओं की सोच क्या, आप बात करते होंगे ना कि आ रही बार तो खून जिताना चाहे काय करना चाहे? युवा तो मतलब जो काम करते उसी नेता को चाहते हैं। जिस प्रकार इस विधानसभा क्षेत्र में अशोक चांदना जी ने सबसे बेहतरीन काम किया। अच्छा, आप लोगों को आते हैं, मिलते हैं यहाँ पे? जरूर। हर सैटरडे आते हैं क्या? हाँ। अच्छा, सैटरडे मतलब आराम से अवेलेबल है, हर सुविधा उपलब्ध है। और अशोक जी की तरफ कौन सी सुविधा है यहाँ पर, सड़क की या किसी चीज़ की, जिसकी अभी भी जरूरत महसूस होती है? बसों की नहीं, प्रॉपर जो तरीके से जो काम हो रहा है फिलहाल इस क्षेत्र में तो ठीक ठाक है, और सेक्टर के हम कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे हम ड्राइवर लोग हैं, जिस तरह का यूपी में सुधार हुआ है, यहाँ आईटो ड्राइवर लाइन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस ड्राइवर लाइन को और पुलिस कर्मियों को इससे सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो चाय बना रहे हैं, और चाय वाले के तो आप जानते हो, चाय वर्सेस जादूगर है। तो अब चाय वाले की चाय चलेगी या जादूगर का जादू चलेगा भाई साहब? इधर अब ये तो साहब जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप भी तो जनता में सुई जो अच्छा तो सही साहब, लेकिन आपन तो साहब कांग्रेस नहीं मत करे। कांग्रेस कई कारण से कांग्रेस भाई कहीं कहीं देर जाओ कांग्रेस कोई नहीं, आपने तो राशन भी नहीं मिले श्रीमान जी। हाँ। सरकार से कोई मदद नहीं है अपने को। हाँ। फिर भी हम तो कांग्रेस को ही देते हैं, पूर्वज भी कांग्रेस में चले गए सारे, तो हम भी कांग्रेस से ही। अच्छा, एक बार जब रामनारायण मीणा थे, दो बार प्रभुलाल जी थे, और सूर्य कुमार जी थे, मैं तो बता रहा हूँ आपको, उस समय का विकास और अब का विकास। भाई साहब आपने तो देखा होगा सूर्य कुमार जी को टाइम, रामनारायण जी को टाइम, और अब है ना रामनारायण मीणा जी का टाइम, तो उस टाइम को विकास और अबार का टाइम को विकास, अबार ज्यादा विकास हो रही है, अबार ज्यादा विकास हो रही है, अबार ज्यादा विकास हो रही है। खेता में घर घर में नल बिजली ले आ गई, मांग जो मान कहीं से है जो, और सही बात। सड़क रे सड़क भी चालू से काम, छोटा छोटा गाँव में सड़क चालू हो रही है, छोटा छोटा गाँव में नल बिजली ले आ गया, अब और कहीं से है मान। और ये मेडिकल की सुविधा मिल रही है? बहुत ज्यादा मेडिकल बहुत बढ़िया सुविधा, जो अन्नपूर्णा फ्री जो पैकेट जाए वो वाला गया क्या? अन्नपूर्णा ने समझा को ना, बाकी मेडिकल की सुविधा बढ़िया से हर कोट हर गांव में डाणी डाणी पर दुकान पर शक्कर चाय रोड मिल गया। हां मदरे मदरे आज मदरे मदरे पैकेट जो आवा लागे जो फ्री को पैकेट थेला वही काला मिल गया, वो मदरे मांग दुकारी मिल गया। अच्छा, दुकारी मिल गया। अच्छा एक चीज बताओ, और सड़क को कहे यहाँ से जो बासी दुकारी की सड़क ये कही है, ये दुकारी वाले मगर नहीं काम चल रहे जो बाहर रोड को दुगारी सु, तेजा जी सु, और उनास प्रातक। तो बढ़िया मतलब काम हो रहे हो जो, तो कहीं लागे आ जाओगा बीजेपी या कांग्रेस कहीं आओगे? आप देखो कहीं आप आबो छे तो आ रहे गुंद के। अच्छा, कांग्रेस तो आ रहे गुंद मांगे ही रहे हम तो ठीक। ये इनका कहना ये है कि कांग्रेस तो हारेगी नहीं। भी आप कहाँ के? बर्तराज नागर, सुरगली से हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से? सुरगली। तो वहाँ की सड़क वड़का ठीक है? एक नंबर सड़कें हो रही है, जो नई थी वो भी बन रही है अभी। अच्छा, पानी वानी की व्यवस्था? पानी की एक नंबर व्यवस्था करके कांग्रेस सरकार ने। और ये जो CSC VSC मेडिकल की सुविधा? एक नंबर हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहाँ पे स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है? हाँ, डॉक्टर वगैरह है? हाँ, सब कंप्लीट है, नैनो में, नैनो ही लगता है। अच्छा, नैनो ही लगता है। अच्छा चलो, तो क्या लगता है आपको जब वोट डालने जाओगे तब फिर क्या होगा, जनता का मूड क्या मानते हो? जनता का मूड तो यही है भाई, अपना विकास हो रहा है, सब चीज में सक्षम है, और जो मतलब गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो पूरी मिल रही है, तो कांग्रेस ही आएगी। तो ऐसा मोदी का कहीं कुछ नहीं दिख रहा? नहीं, मोदी जी का तो सबसे अच्छा विकास है। मोदी जी ने तो चंद्रयान पे पहुंचा दिया, और मोदी जी ऐसे ये जो मतलब राष्ट्र के हित में सोचते हैं, और देश का विकास भी मोदी जी करा रहे हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में सब हमारे मोदी जी की देन है। जब विधानसभा चुनाव होंगे अभी, तो उसमें क्या इसका फर्क जो प्रभाव नजर आए? बहुत पड़ेगा सर, बहुत प्रभाव पड़ेगा मोदी जी का। भाई साहब क्या कहना है आपका? साहब काश्तकारों को तो कोई न तो कोई योजना का लाभ मिल रहा है, और न ही कोई फायदा मिल रहा है। जैसे किसानों को बिजली चाहिए,
तो किसानों के लिए 6 घंटे से बढ़ाकर क्या 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे की क्या, उसमें भी 33 चले जाती हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली आती है, किसान आत्महत्या करेगा नहीं तो क्या करेगा। हाँ ये देखो, इसमें 3 महीने हो गए, सब कर्मचारी भ्रष्ट हैं, इसकी जड़ उखली नहीं पा रही है। तो कभी शिकायत किया आपने सरकार को? शिकायत की है आपके जो MLA मंत्री हैं? MLA साहब को शिकायत की है। अच्छा, तो आप इधर नैनवा में हो, केशवरापाटन में? केशवरापाटन में हम। अच्छा, कौन से गांव के? बालापुरा। अच्छा, बालापुरा के हो? तो बालापुरा तो अब तो उसमें आ गया होगा ना, सेंचुरी में? नहीं, बालापुरा नहीं है, सेंचुरी में। अच्छा, तो कुल मिला के आप कांग्रेस की योजनाओं से संतुष्ट हो या नहीं? कांग्रेस की योजना संतुष्ट तो पूरी नहीं हो पर ये योजना। ये केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में इनका गांव लगता है और इनको ये शिकायत है कि अभी बिजली का जो फ्री का उतना एडवांटेज लोगों को नहीं मिला, धरातल पे वो योजना अभी आई नहीं है। दावा है कहाँ का? जो नेगढ़ का। नेगढ़ का तो बूंदी जिला है ना, विधानसभा कैसी लाग रही है? इंडोली लागत है, इंडोली नैनवा ही लागत है, तो वहाँ से विकास कैसे हो? विकास तो बढ़िया ही हो रही है, मगर बढ़िया। इस समय हम खड़े हैं नैनवा कस्बे के भगत सिंह चौक में और ये जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है, कितना विकास हुआ है। एक भाई साहब साथ है, बाबूजी नाम कहा है जा आपको? मदन नाम जी। हाँ मदन जी, मदन जी एक चीज़ बताओ, ये अब आज चुनाव वाला है ना, तो कितनों का विकास है नैनवा में? बहुत बढ़िया हुआ साहब, सड़क बनी का कोई अस्पताल बने हो, सड़क भी बनी, अस्पताल भी बने से MLA जो है मंत्री भी जवाहर वो काम करवाए जो? हाँ बढ़िया करवाए सब काम करवाए। अच्छा, तो कहीं लागत है गहलोत सरकार वापस आओगी का मोदी जी का लोग आओगे? गहलोत ही आओगे पांगे। अच्छा, गहलोत ही आओगे। हाँ, इनके अनुसार इनका कहना है कि गहलोत जी वापस आएंगे क्योंकि उन्होंने विकास कराया, जो यहाँ MLA हैं जो वर्तमान मंत्री भी हैं अशोक चांदना, उन्होंने विकास भी करवाया। और लोगों से बात करते आइए कि क्या सोचते वो। एक है भाई है, नाम क्या है भैया आपका? विनोद कुमार है सर। विनोद भाई कहाँ के रहने वाले हो? बम्बुली। अच्छा, बम्बुली के ना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो आपके MLA हैं उसके काम काज से कितने संतुष्ट हो? संतुष्ट तो सार्वजनिक काम में तो अच्छा काम है सर। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जो लाइट विभाग का थोड़ा ठंडा काम, लाइट विभाग का जो ट्रांसफार्म वगैरह है टाइम पे नहीं मिल रहे हैं लोगों को। टाइम पे नहीं मिल रहे, मतलब जो किसान इधर जाता है तो उनकी मुख्य समस्या है बिजली। बिजली की समस्या है। तो जो सरकार ने किसानों के लिए योजना शुरू की है मुफ्त बिजली की ऋण की, उनका कितना फायदा मिल? वो बहुत ही बढ़िया काम है सर, एक तरह से पैसा ही मिल रहा है किसान को। अभी जब चुनाव होंगे आपको लग रहा है कि पैसा मिल रहा है, अब जो चुनाव होंगे तो क्या उनमें इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला? जरूर, राशन किट है, बिजली है, इनका जरूर इफेक्ट पड़ेगा। क्या क्या लगता है, सरकार वापस आएगी या फिर परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन तो लगता तो नहीं रहा सब, परिवर्तन हो सकता है। नाम क्या है आपका? आलोक जैन। आलोक भाई क्या लगता है, आप तो यूथ हो, आपके जो MLA हैं मंत्री भी हैं, यूथ है, युवा मामलों के मंत्री भी हैं, तो क्या लगता है आपको इस समय जो पिछले 10 साल हो गए उसमें कितना विकास इस नैना क्षेत्र का? विकास तो अभी हो रहा है, पहले तो ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, बाकी अभी तो विकास अच्छा चल रहा है मंडी का। विकास क्या चुनाव आने की वजह से हुआ है या पहले से ही? ये विकास 5 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, ये विकास चुनाव आने के टाइम पे हो रहा है विकास बस। और फिर क्या लगता है अब इलेक्शन के बाद आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, कृषि मंडी चालू हो जाती है, ट्रॉमा सेंटर चालू हो जाता है, तो सरकार वापस आ जाएगी, और ये नहीं होता है इसका काम भी चालू नहीं होता है, आधा बनकर तैयार नहीं होता है, तो ये सरकार वापस आने वाली नहीं है। अच्छा चलो, बन भी गई। हाँ। तो क्या मोदी जी का कोई प्रभाव यहाँ पड़ेगा या गहलोत की योजना है और आपके MLA का काम लोग गिनेंगे? भाई विधान मोदी केंद्र में तो देके वोट देना चाहिए, बाकी विधानसभा में तो नेता देके वोट देना चाहिए, कौन सा नेता चाहिए अपने जनता को ऊपर? कौन सा नेता चाहिए हमें? तो अभी तक तो जब तक विकास चल रहा है तो जो विकास कराए ना वही नेता बढ़िया लग रहा है अभी। नाम क्या है आपका? अमन जैन। अमन भाई क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे ये नैनवा की जनता जो पिछले दशक से पिछले 15 साल से हिंडोली में मिली है, अब क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वो डिवाइड हो गया, ऐसा लगता है? बढ़िया हुआ है विकास भाई साहब, एक नंबर। नहीं, कभी कभार रहता हो ना कि एक भाई के पास पूरा पैसा आता था पहले, तो पहले नैनवा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग पूरा पैसा इधर आता था, अब दो भाई हो गए हिंडोली नैनवा, तो क्या पैसा बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है ऐसा माना है लोगों को? बढ़ तो रहा है पर काम बढ़िया हुआ है यहाँ पे, अच्छा काम हुआ है। जो चाहिए आप लोगों को अब, ऐसा कौन सा काम चाहिए? ऐसा काम कभी नहीं हुआ यहाँ इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ऐसा काम नहीं हुआ कभी भी, इतना बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा भाई साहब कुछ करें,
हाँ इंडोली में ज्यादा काम हुआ है, नैनवा में कम हुआ है। जो घोषणा की है नैनवा में उस हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ। कौन कौन सी घोषणाएं? ट्रोमा सेंटर ही की थी जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मंडी और चालू नहीं की रही थी वो भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा भूसा को एक चीज बताइए, क्या लगता है आपको पिछले जो 10 साल में एक ही एमएलए है आपके यहाँ जो मंत्री भी है इस बार, तो कितना डेवलपमेंट किया, क्या हो जितनी आशा थी उनसे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री और जो एमएलए भी हैं वो उन आशाओं पे बिल्कुल सही खड़े होते हैं? आज तक ही इससे बढ़िया विधायक नैनवा हिंडोली विधानसभा में कोई आया ही नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं और हमारी तो राय यही है कि वापस यही आना चाहिए। अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अभी भी जो इस नैनवा की ज़रूरत है? एक तो नया बस स्टैंड, अब जरूरत तो बहुत है लेकिन जो काम है वो तो करवा ही रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी कि ये चीज़ चाहिए मुझे, ये इस गांव की, इस क्षेत्र की आवश्यकता है। आवश्यकता पानी की है ज़्यादा, तो पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा। बस स्टैंड की समस्या है, बस स्टैंड तो है लेकिन समस्या पानी की ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। अच्छा ट्रोमा, सब कहते हैं कि उन्होंने ट्रोमा की घोषणा की थी, ट्रोमा हॉस्पिटल, वो भी जरूरी है। देखो भ्रष्टाचार तो क्या नाम है जो? ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत मजे की बात कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। हाँ। बस अच्छा तो आपको लगता है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार काफी तादाद में, नहीं ये नैनवा में, पूरे राजस्थान, पूरे राजस्थान में चल रहा है। तो भाई नाम का है? तुलसीराम चौधरी। अच्छा तुलसीराम जी ये बताओ कि जो समस्याएं चाहिए, मुख्य समस्या क्या है नैनवा की? देखो वो तो समस्या है, तो देखो एक तो मंडी को काम बोले जा, जिस टाइम पर चांदना जी पहली बार विधायक बने जा वो टाइम पर मंडी की घोषणा कर जा, जमीन आवंटन हो जी। अब आज 10 साल हो गया, अब खतो रिया जगह मैं पीसा पास करवा दिया और ये कर दिया, लेकिन जो जब बनेगी ना जब ही मानेगा मैं। अच्छा, अगर नैनवा मंडी बन जाओ से तो यहाँ का आसपास का गांव का जो भी किसान लोग ना बहुत ज़्यादा फायदा होती है। लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है किसानों के लिए, दो दो ढाई ढाई घंटा लाइट आओ जो, ऊपर से बरसात ना रही वो पूरा उड़ा सूख गया, दो दो ढाई ढाई घंटा में कहेंगे वो साहब। शाम के टाइम पर रात में 9 बजे से लोड सेटिंग में किसानों की लोड सेटिंग में रात में लाइट करे, रात का 12 बजे लाइट दे। एक बड़ी समस्या सामने आई है यहाँ पर कि लोग बिजली अभी उनको मिल नहीं रही है, समस्या है लेकिन लोग संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि यहाँ पर जो उनके एमएलए हैं अशोक चांदना जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। नैनवा और हिंडोली विधानसभा की जनता का मूड जानते हुए हम पहुँचे हैं हिंडोली मुख्यालय पर। हिंडोली 2008 के परिसीमन से पहले एक स्वतंत्र विधानसभा क्षेत्र था और ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर गुर्जर और माली मतदाताओं की अधिकता है, शायद यही कारण है कि यहाँ पर 2 बार रमा पायलट विधायक रही हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बाहरी लोग विधायक रहे हैं। शांति धारीवाल भी यहाँ पर चुनाव लड़े हैं, तो प्रहलाद गुंजल भी यहाँ से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, प्रभुलाल सैनी भी यहाँ से चुनाव लड़े विधायक रहे, हरिमोहन शर्मा वह यहाँ पर चुनाव लड़े कांग्रेस से विधायक रहे, और पिछले 2 चुनावों से यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं अशोक चांदना वह वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं। तो हम जानते हैं कि जनता का वोट, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि इन चुनावों में क्या रहने वाला है आने वाले चुनावों में, हालांकि यहाँ पर बिजली को लेकर काफ़ी सारी बातें होती रही। दवाई नाम का है आपको? कल्याण जी। कल्याण जी, कल्याण जी एक चीज़ बताओ कि 10 साल से आपके यहाँ पे एमएलए एक ही है ना अशोक जी, काम वाम कैसा है उनका? बढ़िया बढ़िया साहब। नहीं विकास विकास हुआ है पहले? बढ़िया बढ़िया ना, नहीं 10 साल जो फली विकास कोई ना जो? हाँ इस साल में ये 12 का टाइम पर बढ़िया हो रहा है। नाम क्या है आपका? गिरराज सर। कहाँ का जो थे? यहाँ का ही था साहब। इंडोली का ही? नहीं इंडोली साइड में गाँव है। अच्छा तो जो सरकार की योजना थे, एक तो केंद्र में थे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ताक अशोक चांदना जो मंत्री भी थे, तो जब वोट देवा जाओगा तो जनता को मूड कहाँ देख रहा है? जो थे सब बातें करता होगा ना गांव में भी कई बार विकास हो चो न होता है वोट देना चाहे खुकता है जिताना चाहे कायम बन रहे हो मानस कायम बन रहे। अब साहब दूसरा की तो मैं कहीं नहीं कह सका, मैं तो माँ की कह सका था माँ को तो मूड हो चुका केंद्र में तो मोदी जी चाहू से और राज्य का स्तर पर अशोक गहलोत सू भी खाएँ एलर्जी को ना आप तो देखो सही से चल रही जो सिस्टम दवाई का रमेश कुमार लोधा जी। तो लोधा जी क्या समझते हो आप, मतलब चुनाव आने वाले हैं, देखो सब अपने अपनी मानसिकता सेट करने वाले हैं, बीजेपी वाला आएगा वो अपनी सेट करेगा है ना, तो फिर जनता में जो आप देखते हो ना जैसे भी बात हो रही है जनता में क्या मूड दिखा रहे हो? योजना बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए लोगों को, सब अपने कमा के खाने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे 100 यूनिट फ्री कर रहे थे लाइट नहीं आ रही, 100 यूनिट किस लिए चाहिए? लाइट नहीं आ रही
तो 100 यूनिट किस लिए चाहिए? फूड पैकेट 300 रुपये का फूड पैकेट बांट रहे हैं तो 300 रुपये के कितने दिन की खोटी कर रहे हैं? 5 दिन फूड पैकेट लेने के लिए 5 दिन खराब कर देगा वो, तब उसको फूड पैकेट मिलेगा। तो कैसे वितरण कैसे होना चाहिए? नहीं, वितरण जैसे गेहूँ वितरण कर रहे हैं वो फूड पैकेट है तो लाभ जो लोड पड़ रहा है जनता भी तो पड़ रहा है। अच्छा चलो, जब आप इतनी सारी योजनाओं को नेगेटिव पॉइंट भी बता रहे हो, तो फिर क्या इसका इम्पैक्ट क्या राजस्थान में परिवर्तन होने पे है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। और यहाँ पे इंदौली में तो नहीं होगा, इंदौली में चांदना जी काम करे तो आएंगे, वो तो आएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, तो पूछ रहे कि योजनाएं कैसी योजनाएं चाहे और कितनी सारी घर पहुँच रही चाहिए योजनाएं, तो कितनी की योजना है कि जानकारी चाहिए आप? अभी योजना तो बढ़िया बढ़िया ही से दे भी रहा थे, टाइम पर ना आ रही वहाँ खोटी ज़्यादा हो रही थे, पर मोबाइल लेवा जाओ थे लेन लाग रही थे वहाँ तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए, नंबर ही ना आ रही हो। क्या कहते हो आप, मतलब यूथ के लिए सरकार की योजनाएं सही हैं या कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, सरकार की योजनाएं सारे सही हैं, यूथ के लिए तो क्या दिक्कत है? सरकार ने 4 साल के अंदर मतलब 1 लाख से ऊपर तो नौकरियाँ दे दी, आप भी देख रहे हो चीज़, 1 लाख नौकरियाँ लगभग पेंडिंग चल रही हैं। अभी 8000 की शिक्षक की भर्ती कंप्लीट हुई है, उसमें मेरा सिलेक्शन है, तो मैं तो देखता हूँ भाई सरकार ने हमारे लिए युवाओं के लिए बहुत जो पढ़ेगा वो तो आगे बढ़ रहा है सरकार में। मतलब गहलोत सरकार ठीक काम कर रही है और चांदना जी भी ठीक काम कर रहे हैं? चांदना जी तो इतना शानदार काम कर रहे हैं, जो बताओ कहाँ पे हो रहा है, या तो कोटा में हो रहा होगा या जोधपुर में हो रहा होगा, तीसरे नंबर में यही हो रहा है काम, वास्तव में मतलब हकीकत बता रहा हूँ मैं। इनका कहना ये है कि कोटा में धारीवाल जी जो काम कर रहे हैं वैसा, और क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है जोधपुर, वहाँ के बाद यदि राजस्थान में कहीं अच्छा काम हो रहा है तो केवल यहाँ पे हो रहा है। दावे कहाँ खेत काम तो देखो 40 साल में पहली बार हो रहा है इंदौली में, बाकी जो ऊपर से योजना थी वो धरातल पे भी चलना चाहिए। योजना तो मुख्यमंत्री जी की बहुत बढ़िया है, पर गरीबों तक उसका लाभ मिलना चाहिए। कुल मिला के जो बात हुई, जो यहाँ के विधायक हैं MLA अशोक चांदना है, उनका काम कुछ अच्छा नजर आ रहा है। दावा आपको कहाँ के बोलिए? देवी शंकर प्रजापति, डबलाना से हूँ, इस बार BJP आएगी। तो आपको डबलाना दुगारी नैनवा रोड बन गया, सही हो गया? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। तो फिर मतलब डेवलपमेंट के अगर पूरा से नैनवा तक तो बिल्कुल अभी वैसा का वैसा ही है, और रामेश्वर चौराया से बूंदी तक बिल्कुल डेढ़ दो फुट गड्ढे हो रहे हैं, जो चलना निकलना ही मुश्किल हो रहा है। तो क्या कहते हो, विकास हुआ या नहीं हुआ? हमारी सब कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा विकास, हमारी नज़र में तो कोई विकास नहीं है। राजस्थान में तीसरे नंबर का विकास, अब विकास तो क्या है, 45 दिन से ट्रांसफार्मर जले हुए, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, किसानों की फसलें भूंगड़ा हो रही है, क्या करेंगे किसान बेचारे? अब लाइटें 2-2 घंटे मिल रही है, 3 पे, अब इससे ज़्यादा बड़ा क्या विकास हो सकता है? आप सरकार ने 100 यूनिट फ्री की, कुछ भी नहीं है। आज वो दो धरना प्रदर्शन में आए हम, 3 महिला ऐसी थी जो 8000 का बिल आया है, बोल रही कि कोई फ्री नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर हालांकि जो बहुमत जो मिला है उनका कहना यह है कि अशोक चांदना ने काम तो करवाया, लेकिन जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं अभी तक भी धरातल पर नहीं पहुंची है। तो ये था हिंडोली और नेड़वा विधानसभा की जनता का मूड, आगे और दूसरी विधानसभा के मूड के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।